बारिश के पानी से भरा हुआ है, इसको पूरा का पूरा बारिश का पानी कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग है। अभी तो साइज और भी बड़ा होगा इसका, अंदर फ्रूट फ्लाई घुस जाएगी okay. और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। अच्छा, तो बैगन तो वैसे भी आपको एक ही पेड़ पे कई बार फ्रूटिंग देता है। तो दोस्तों, बारिश के पानी की अहमियत एक गार्डनर ही जान सकता है। उसी का उदाहरण आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त गार्डन में लेके आ चुका हूँ, दिल्ली का गार्डन है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सब्जियाँ ग्रो करते हुए मैम नज़र आएंगी। पिछले 4 साल से सब्जियाँ ग्रो कर रही हैं और ज़्यादातर जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपने गार्डन की ही खाते हैं। तरह तरह की सब्ज़ियाँ हैं और जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो बहुत ही अच्छी है। तो किस तरीके से आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप एक बिगनर हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रेनू जी लॉकडाउन के बाद सब्जियों की बागवानी करनी उन्होंने शुरू की थी और अभी सन 2024 तक उन्होंने तरह तरह के सब्जियों के पौधे उगाए हैं। हर साल 7 से 8 तरह की सब्ज़ियाँ अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो करते हैं और घर में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 3 से 4 दिन इनके गार्डन से ही सब्ज़ियाँ लेकर बनाई जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगी और बहुत ही अच्छी उनकी स्टोरी भी है, वो भी हम जानेंगे उनसे किस तरह उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, कैसे उनका रुझान आया। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, मैं भारत के यूं ही अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखाता रहता हूँ। कोशिश करते हैं कुछ नया आपको सिखा पाएँ। तो अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हर दिन सुबह 10 बजे आप ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले आप संदीप जी हमारे गार्डन में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए जी। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने तरह तरह की सब्जियाँ ग्रो कर रखी हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और ये सब कुछ पिछले 3 से 4 साल में आपने कर दिखाया है। काफ़ी सारे लोगों के समक्ष आपने उदाहरण पेश किया है कि किस तरह हम अपने घर पे भी इस तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड युक्त सब्जियों से बच सकते हैं। तो किस तरह से स्टार्टिंग हुई, कैसे आपका रुझान आया, आखिर सब्जियां ही क्यों, किसी और पौधों की तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया कोरोना टाइम में, क्योंकि सब उस टाइम बहुत ही खाली थे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का सबका बहुत ही मन था। किसी ने खाना बनाना शुरू किया, किसी ने कुछ भी स्टार्ट किया जी। तो मुझे लगा कि मैं प्लांट ग्रो करती हूँ, क्योंकि प्लांट्स से ग्रीनरी भी होती है, ऑक्सीजन भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने तो पहले तो मैं बालकनी में नॉर्मल फ्लावर प्लांट्स लगाती थी, डेकोरेटिव प्लांट्स लगाती थी। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ती हूँ, सब्जियाँ उगाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने कोशिश करी थी और मेरे पास कुछ भी इतना साधन वगैरह कुछ नहीं था, छोटे छोटे मैं गमले लाई थी। अच्छा। पहले तो यही पता चला कि छोटे गमलों में सब्जियां नहीं उगती हैं। राइट। पहले तो छोटे में ही उगाई थी, तो तब पता चला कि सीड सब वेस्ट हो जाता है उसमें, तो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है गमलों में छोटों में। तो फिर बड़े बड़े गमले लाए, तब मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया ये सेट, मतलब एक बारी में ये सेटअप नहीं बना है जी। थोड़ा थोड़ा करके लाई, थोड़ा थोड़ा सामान करके लाई, हर साल थोड़ा थोड़ा लिखी है जी। तो अगर बात सेटअप की हो रही है मैम, तो मैं आपका सेटअप भी दिखाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर सेटअप है। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैम ने स्पेस की बात की थी कि इनकी जड़ों को फैलने के लिए स्पेस चाहिए, तभी ये आगे फ्रूटिंग करते हैं और तभी हम अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगा पाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैम, आपने बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाए हैं, और पॉट्स क्या कहेंगे इसे, जुगाड़ कहेंगे? हाँ। मैं इसे जुगाड़ ही कहता हूँ, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ड्राम होते हैं हमारे, केमिकल्स वगैरह के जो ड्राम आया करते थे, उनको आपने यूज़ किया है कट करके, उसी में ही आपने अपना सॉइल मिक्स डाला है और उसमें प्लांट लगाने शुरू किए। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आए, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस तरह के पॉट यूज़ करने?
आइडिया ऐसे आया, मुझे मेरी फ्रेंड से आइडिया आया। अच्छा। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने कहा कि हम ड्रम में उगाएंगे सब्जियाँ। एक्चुअली मिली जुली हमारी ये है, हमारे आसपास की जो हमारी फ्रेंड्स हैं सबने मिलजुल के ये स्टार्ट किया अपनी अपनी छत पे। नाइस। तो सबने मिलजुल के ना, जैसे उसने मुझे आइडिया दिया कि हमारे अभी गमलों में तो हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग इसके लिए ड्रम लेने चलते हैं। ओके। तो हम लोग मिलजुल के ड्रम लेके आए, एक साथ जाके लाए थे, सही में लेके आए थे। एक साथ जाके हमने ड्रम लिए हैं, हमने गार्डनिंग भी एक साथ शुरू करी। फिर अमेजिंग, एक साथ सामान लेके आते थे तो एक दूसरे के अनुभवों से भी सीखते थे, एक दूसरे से बहुत सिखाया। हमारी फ्रेंड्स ने भी मुझे कि तेरे गार्डन पे ये है, सीड्स भी हमने बहुत एक्सचेंज किए हैं, अभी भी करते हैं, और हम अपनी जो फ्रूट्स आते हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं। अमेजिंग। वो भी एक्सचेंज करते हैं फ्रेंड्स हमारी, हमारा आसपास जो भी हमारी जो भी गार्डनिंग करती हैं जी उनके साथ। Nice. तो ये आइडिया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको नहीं आता वो आपको सिखाते हैं, और जो आपको आता है आप उन्हें सिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने बहुत सिखाया मुझको। नाइस। तो वो भी मतलब पेस्टिसाइड बनाना ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। नाइस। मतलब जितने फर्टिलाइजर्स हैं वो आपने उनसे ही बनाना सीखा धीरे धीरे, और आज अपने गार्डन में यूज कर रहे हैं, है ना। मैम, बारिश के पानी की बात करें, जैसे मैं आपके गार्डन में आया मैंने देखा आपने बहुत सारे ड्रम पानी से भर रखे थे, फिर मैंने आपसे पूछा, आपने बताया इसमें बारिश का पानी है, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं और उनके बेनिफिट बताएं। हाँ, ये हम ना यहाँ से बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए इस नाली के नीचे ही हमने ड्रम रखा। अच्छा, यहाँ पे ही आपने रख दिया ताकि पानी गिरे तो इसमें भरता रहे, इसके अंदर भर जाए और कोई परेशानी ना हो मुझे। वाह, मतलब ये पूरा भरा हुआ है? बिल्कुल भरा हुआ है ये। ओहो, पानी से ना। वाह, तो बारिश के पानी से भरा हुआ है, इसको पूरा का पूरा बारिश का पानी कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इन्होंने, और इसे ढक के रखते हैं, ढक के रखते हैं ताकि मच्छर ना पैदा हो। और इसके बगल में देखेंगे ये भी सारे, ये भी भर लिया सारे के सारे मैम ने भर रखे हैं। और मैम इसको फिर तब यूज करती हैं जब बारिश नहीं हो रही होती। हाँ बिल्कुल, तब हम बारिश का पानी यूज करते हैं। और इसीलिए इनकी बगिया देखिए इतनी हरी भरी आपको नजर आ रही है, और इससे भी ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है इनके फ्रूट देख के हो रही है। तो पहले फ्रूट की बात करते हैं मैम, मुझे वहाँ पे लौकी नजर आ रही है, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएं और साथ ही साथ बताएं कि आखिर वो भी कैसे इस तरह की लौकी अपनी छत पे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये लौकी, ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग है। अभी तो साइज और भी बड़ा होगा इसका। हाँ, अभी ये छोटी है। ये कब ग्रो किया, कैसे ग्रो करना है मैम, हमारे व्यूअर्स कैसे स्टार्ट करें? ये जब रेनी सीजन होता है उससे पहले सीड ग्रो करना पड़ता है, ये मानसून की ये है ये। और कंटेनर बड़ा ही लेना पड़ेगा जी, और बड़ी बेलों को खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें खाद ज़्यादा चाहिए होती है। मैंने तो अपने किचन वेस्ट से खाद बनाई हुई है। अच्छा। अभी मैं वो डालती हूँ। अमेजिंग। तो जैसे सॉइल मिक्स, स्टार्टिंग सॉइल मिक्स जो बनाएंगे वो कैसे बनाना है, क्या रेशियो रखना है? स्टार्टिंग सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी मैंने रेत भी डाली हुई है पूरे गार्डन में मिला के, उसके बाद इसमें कंपोस्ट डाली हुई है मैंने, कम से कम मेरी 40% इसमें कंपोस्ट, 40% कंपोस्ट है। हाँ, नाइस। मतलब 50% गार्डन सॉइल, 10% सैंड हो गया, और इसके बाद 40% हमारा कंपोस्ट है, और ऊपर से मैं वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ सिर्फ। अच्छा, जैसे अब ये ऊपर से इसकी रूट्स आ रही है ना जी, थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। ओके, नाइस। थोड़ा सा, तो वहाँ से सीड जर्मिनेशन होता है, और उसके बाद फिर आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और कुछ इस तरह फ्रेंड्स आपको कुछ ही महीने में फ्रूटिंग भी मिलने लग जाती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ घिया तो हमने देख ही ली, जगह जगह पे मैम फ्रूटिंग आपको दिखा रही है, और साथ ही साथ यहाँ देखिए कितने बड़े साइज में तोरी है। तो मैं थोड़ा जूम करूँगा फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बड़े साइज में तोरी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, जबरदस्त जी। तो मैम आप बीच में मुझे ये भी बता रहे थे कि इन पौधों में इंसेक्ट्स का भी खतरा रहता है, जिसके लिए आपने कुछ किया है, बनाया है, तो वो इन्वेंशन भी हमारे व्यूअर्स देख लें कैसे किया। फ्रूट्स वाले पौधों में फ्रूट फ्लाई बहुत आती है। ओके। तो फ्रूट फ्लाई के लिए हम ये ट्रैप बनाते हैं, ये ट्रैप कोल्ड कॉफी पीते हैं, हाँ जी, उसका कप है, उसका ग्लास है, तो उसमें एक लूर आता है, ये अमेजन से मिल जाता है, वो मंगवा लेते हैं, और इसके अंदर डाल के फिर इसको ऐसे लटका देते हैं। इसमें दो छेद करने पड़ते हैं। अच्छा, दो छेद जो करेंगे मैम उससे फिर बेनिफिट क्या होगा? छेद से अंदर फ्रूट फ्लाई घुस जाएगी। ओके। और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। अच्छा, ओके। इसलिए वो उसकी स्मेल से आती है लूट। नाइस।
तो ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फ्रूट में ऐसे छेद कर देगी। ये देखो, अच्छा इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा भी दिया मैम ने, इस तरह से छेद हो जाते हैं फिर, और फिर फ्रूट आपका खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा, ग्रो भी नहीं कर पाएगा जी। तो ये एक सॉल्यूशन आपको बताया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक किचन गार्डनर को होती है, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ मैम आपके गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई भी देख रहा हूँ, भंवरे भी देख रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करेंगे मैम स्टैंड्स की, क्योंकि अब हमने पॉट तो बना लिए, ड्रम काट के चाहिए थे हमें स्टैंड, तो आपने ये भी बताया मुझे कि स्टैंड भी कुछ जुगाड़ किया हुआ है, उसकी बात कर ले। स्टैंड का भी मैंने जुगाड़ किया है, हमारे घर में रॉट आयरन की चेयर्स थी, अच्छा, तो वो बहुत पुरानी हो गई थी, तो हमने चेंज करने का सोचा, तो उनके पास बैग भी आयरन की थी और उसकी सीट भी आयरन की थी, ओके, तो हमने 6 चेयर से 12 वो बनवाए हैं। वाओ, ये देखिए बड़े उसके लिए, तो कुछ कुछ ऐसे स्टैंड्स आपको जो नजर आ रहे हैं वो सारा इनका चेयर का ही था पार्ट, तो चेयर भी यूज़ कर ली मैम ने, उसके बाद फिर अपने गार्डन में भी उसे यूज़ कर रहे हैं, और मुझे लगता है जितना आपने चेयर को यूज़ नहीं किया उससे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ विंडो प्लांटर्स में भी अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगा रखी हैं, आप देख पा रहे हैं पीछे भिंडी लगी हुई है, और भिंडी का मैंने ये अच्छी बात देखी कि भिंडी के जो सीड्स मैम ने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे देसी किए हैं, और आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, लीव्स कितनी बड़ी हो चुकी हैं, और अभी तक मैम फ्रूटिंग तो नहीं आई होगी इस पर, भिंडी पे आ चुकी है, यहाँ पे ले चुकी है, कई पेड़ में आ चुकी है, अच्छा। क्योंकि थोड़े दिन बाद मैंने डाली, अच्छा, तो कुछ कुछ में मिल चुकी है फ्रूटिंग, हालांकि यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे हम दिखाएंगे कि इन्होंने किस तरीके से भिंडिया भी ग्रो कर रखी है गार्डन में। अच्छा, गार्डन की हम बात कर रहे हैं तो कई सेक्शन में डिवाइड किया मैम ने, पीछे की तरफ जो स्पेस है वहाँ पे भी सब्जियाँ हैं, ये वाले स्पेस से हमने वीडियो स्टार्ट किया और वहाँ पे हम आपको लास्ट में लेके चलने वाले हैं, तो आगे आप वीडियो में बने रहें, पूरे गार्डन का टूर कराएंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे जी। मैम आप क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, थर्माकोल के काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं आपके पास? हाँ, थर्माकोल के बॉक्स भी मैंने फिर खरीदे, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उसमें ज़्यादा मिट्टी आ पाती है। नाइस, और ये हल्के भी होते हैं? हल्के भी होते हैं, और लाइफ भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लाइफ कितनी होती है? चल रहे हैं, अच्छा, 3-4 साल हो चुके हैं, और तब से चल रहे हैं। अगर हम बात करें पैसे की, तो कितने का लाए थे ये? तो मैंने 20-25 के, वाओ, तो 30 रुपए का है, और फ्रेंड अभी देखिए लगभग 4 साल तो हो चुके हैं, हाँ, हो गया 4 साल, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रखे रहने देंगे तो काफी साल चलेगा, इसमें कुछ नहीं होता। नाइस, ये आ चुका है सहजन, मोरिंगा और ड्रम स्टिक, कई सारे नाम है, ड्रमस्टिक और ड्रम स्टिक लगती भी है, हाँ, लगती भी है। कितना पुराना है मैम ये? ये हो गया 3-4, मतलब उसी टाइम का, ये भी 4 साल लगभग इसे भी हो गए, और ये नर्सरी से लाए थे, आज इसका देख सकते हैं तना कितना मोटा हो गया है, और ड्रम स्टिक लगती भी है, तो मैम यूज करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं, सब्जियां बनाते हैं, हाँ, पत्ते भी ले जाती हूँ उसके, अच्छा, डाल देती हूँ सब्जी में, वाओ, बहुत ही बढ़िया। और इस तरफ भी देखिए बेल लगी हुई है, पूरा कवर कर रखा है मैम ने, हाँ, और बेल को चढ़ाने के लिए नेट का यूज किया मैम, हाँ जी, नेट लगाई है, नॉर्मल जो नेट होते हैं उनको लगा दिया है, और ऊपर भी आप देखेंगे जगह जगह पे नेट ही इन्होंने लगा रखा है, और इसके सहारे आराम से बेल इनकी पूरी फैल गई है, और फ्रूटिंग भी इसी में इनको मिलती रहती है। तो बात करेंगे आप दूसरे ड्राम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग ही शेप का आ चुका है, ये बड़े वाले साइज है, हाँ, ये गोल काट दिया, गोल काटा हुआ है, और कुछ कुछ मैम पेंट भी आपने खुद ही किए क्या सर? हाँ, ये मैंने पेंट करा, वाओ, पेंट भी खुद ही कर रखे हैं, नाइस। अच्छा, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लौकी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे भी है, ये लौकी की बेल, और यहाँ पर भी है, और इसी के साथ ही मैम आपने कपड़ा लगाया हुआ है, तो ये किस लिए लगाया? ये वही फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए, अच्छा, फ्रूट फ्लाई नहीं तो इसमें छेद कर देती है और मतलब खराब हो जाता है, पूरी तरह फ्रूट को बचाना है तो कपड़ा यूज कर लो, हाँ, ना? फिर कपड़ा लगा लो, नहीं तो नहीं बचेगा, बचेगा इतनी नहीं, और ये भी मैंने मैम से बोल के ओपन करवाया, पहले ये पूरा कवर किया हुआ था, ये भी कवर किया हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं ओपन करके कितना सुंदर लग रहा है। और अगर हम फ्लाइज की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी प्रोडक्ट आई थिंक फ्लाइज के लिए, ये किस तरह का रहता है मैम? इसके ऊपर भी सब चिपक जाते हैं, इस पे गम लगी होती है, गम लगी होती है, इसको यूज करेंगे तो इस पे चिपक जाते हैं, हालांकि बारिश होगी अब तो ये चला गया, नहीं गया, अच्छा, फिर से सूखना शुरू हो जाएगा और चिपकेगा, ये देखो, तो ये जगह जगह पे देखिए इस पे भी, क्योंकि ये येलो कलर है तो अट्रैक्ट होती है फ्लाइज, इस पे सारे कीड़े चिपकते हैं, नाइस, देखिए जगह जगह पे अगेन वही सारे के सारे जो क्रेट्स होती है उनको भी यूज किया, थर्माकोल बॉक्सेस को यूज किया, मतलब ये है कि अगर हमें सब्जियों की बागवानी शुरू करनी है तो बहुत महंगा शौक नहीं है, आप चाहें तो बहुत सस्ते में ही शुरू कर सकते हैं, और जैसे कि मैम ने मुझे थर्माकोल बॉक्स का एग्जांपल दिया, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और बात करेंगे मैम बैगन की, ये देखिए छोटे छोटे वाइट कलर के बैगन आपको नजर आ रहे हैं, 3-4 साल पुराना पेड़ है, अच्छा, वाओ, तो बैगन तो वैसे भी आपको एक ही पेड़ पे कई बार फ्रूटिंग देता है,
तो उसका एग्जांपल आपके सामने है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और इनको मैम कवर भी नहीं करना पड़ता, नहीं है ना, नहीं इनके फ्रूट खराब नहीं होते जल्दी, नहीं इनके नहीं होते। नाइस, ये सारे हैं बैगन के और इसमें भी देखिए आपको अंदर भरते वाला जो बैगन होता है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो गोल वाला होता है। धीरे धीरे शेप इन सब की बड़ी होने लग जाएगी और बगल में हम जैसे कि स्टार्टिंग में भिंडी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आ चुकी है भिंडी और कहीं कहीं तो आपको बहुत बड़ा साइज नज़र आ रहा है, ये देखिए तो भी बहुत बड़ी, वाह ये देखिए। वैसे मैम इतनी सारी सब्जियाँ आपने लगा रखी हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट सब्जी तो तोरी है। तोरी फेवरेट है। नाइस, ये रही तोरी, ये देख सकते हैं। वैसे मेरी जो फेवरेट है वो जो यहाँ पर है वो भिंडी है। अच्छा। जी नहीं, मुझे तोरी अच्छी लगती है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा हम बात करते हैं मैम खाद की, तो आप खाद कितने समय में डालते हैं, किस तरह डालते हैं? आपने बताया कि किचन वेस्ट यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं किस तरह से आप बनाते हैं किचन वेस्ट, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह हमारे व्यूअर्स भी अगर सब्जियों की बागवानी करें तो किस तरह आपने किचन वेस्ट को कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में? नीचे से ऊपर मिट्टी लगाते थे कि हमें मिट्टी लानी है छत पे। अच्छा, अब ये दूसरा सिस्टम चल गया, अब हमारी जो मिट्टी है ऊपर से नीचे जाती है, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इस तरीके से आप भी डाल सकते हैं। जेल निकाल के और इसको मिक्सर में पीस के काफी सारा निकल जाता है, एक पत्ती काफी मोटी हो जाती है ना। फ्रेंड्स फाइनली अब हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन में।